लेट्स बैलेंस दिस केमिकल इक्वेशन. सो सी, दिस इज़ लेफ्ट हैंड साइड, दिस इज़ राइट हैंड साइड. कौन से एलिमेंट प्रेजेंट है यहाँ पर इस इक्वेशन में? आयरन, ऑक्सीजन और कार्बन. अब यहाँ पर देखिए, लेफ्ट हैंड साइड पर आयरन के कितने एटम हैं? 2. ऑक्सीजन कितने हैं? 3+1, 4. कार्बन कितने हैं? 1. देन राइट हैंड साइड पर Fe 1 एटम, ऑक्सीजन के 2 एटम है एंड कार्बन के 1 एटम है. अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 1 है, तो यहाँ पर 2 करने के लिए हम क्या करेंगे? Fe के फ्रंट में 2 लगा दो. सो Fe तो बैलेंस हो गया, दोनों तरफ 2-2 एटम हो चुके हैं आयरन के. देन नेक्स्ट इज़ ऑक्सीजन. यहाँ पर ऑक्सीजन के 4 एटम है और यहाँ पर 2 है, तो यहाँ पर 4 करने के लिए हम क्या कर सकते हैं? ये ऑक्सीजन है, इसके फ्रंट में अगर यहाँ पर हम लगा देते हैं 2, सो कितना हो जाएगा? 2 2 4. सो फिलहाल ऑक्सीजन भी बैलेंस है. देन नेक्स्ट, जब हमने यहाँ पर फ्रंट में 2 लगाया तो कार्बन कितने हो गए हैं? यहाँ पर कार्बन हो चुके हैं 2, और यहाँ पर कार्बन 2 करने के लिए हम क्या कर सकते हैं? ये जो कार्बन है इसके फ्रंट में हम 2 लगा देंगे. सो कार्बन भी बैलेंस हो गया. लेकिन जब हमने यहाँ पर फ्रंट में 2 लगाया तो ऑक्सीजन के नंबर ऑफ एटम इंक्रीज हो गए लेफ्ट हैंड साइड पर. कितने हो गए देखिए? 3+2, डेट इज़ 5. सो जब हम यहाँ पर 2 लगा रहे हैं कार्बन को बैलेंस करने के लिए, तो ऑक्सीजन अनबैलेंस हो जा रहा है, इसलिए हम क्या करेंगे? यहाँ पर 2 की जगह पर हम लगाएंगे 3, और यहाँ पर भी आ जाएगा 3. अब देखिए, ऑक्सीजन के कितने एटम है लेफ्ट हैंड साइड पर? 3+3, 6. एंड यहाँ पर भी देखिए, ऑक्सीजन के कितने एटम हो चुके हैं? 3 2 6. देन कार्बन देखिए कितना है, यहाँ पर 3 कार्बन है और यहाँ पर भी 3 कार्बन है. सो Fe के दोनों तरफ 2-2 एटम हो चुके हैं, ऑक्सीजन के 6-6 एंड कार्बन के 3-3. नाउ दिस इज़ द बैलेंस केमिकल इक्वेशन.